स्वागत है आप सभी का पावर टूल्स नेशन में। आज हमारे पास बॉश कंपनी का GWS 6100 मॉडल। इस ग्राइंडर के अंदर हेड बैरिंग की प्रॉब्लम है, जहां कटिंग व्हील लगता है उसके नीचे एक बैरिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, तो हम वही चेक करेंगे कि उसे कैसे चेंज करते हैं और हम आपको आज यही सिखाएंगे। इस ग्राइंडर में कार्बन नहीं है। अरे कार्बन लग चुके हैं, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट में स्पैंडल और वॉशर कैसे हिल रहा है। तो ये बैरिंग के अंदर प्ले है, हो सकता है हमारी बैरिंग कवर वो भी ख़राब हो, तो हम यही चेक करेंगे। आइए जल्दी से इसे खोलते हैं। ये देखिए कितनी प्ले है इसके अंदर। इस बैरिंग के ऊपर एक लॉक होता है, तो हम इस लॉक को ओपन करेंगे तभी बैरिंग बाहर आएगा, नहीं तो ऐसे बैरिंग बाहर नहीं आएगा। हमारे ये कवर टूट सकता है अगर हम ऐसी ज़बरदस्ती निकालेंगे तो। देखिए ये लॉक है, इसके लिए हमें लॉक प्लायर चाहिए जिससे लॉक खुलेगा। हमारा लॉक खुल चुका है, तो हम इस बैरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बैरिंग के अंदर प्ले है काफी, ये बैरिंग हिल रहा है, तो हमें बैरिंग भी चेंज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारा बैरिंग कवर भी ख़राब है, तो हमें ये भी बदलना पड़ेगा क्योंकि बैरिंग इसमें बहुत ढीला जा रहा है और आ रहा है, तो हमें दोनों पार्ट चेंज करने होंगे। ये रहा हमारा बॉश मॉडल का 6100 का बैरिंग कवर, और इसके अंदर बैरिंग लगता है 6210 नंबर का, 6201 नंबर का बैरिंग लगता है, तो हम वही बैरिंग लगाएंगे। स्पैंडल लगाने के बाद हमें चेक कर लेंगे बैरिंग के अंदर प्ले तो नहीं है, तो हमारे बैरिंग में कोई प्ले नहीं है, स्पैंडल बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हम इसमें गियर फिट करेंगे। ये हमारा पूरा असेंबल हो चुका है, तो हम इसे वापस फिट करेंगे। सो हमारा ग्राइंडर रेडी है, अब हम इसे चलाकर चेक करेंगे कि इसमें अब कोई प्ले तो नहीं है। हमारे ग्राइंडर के अंदर कोई प्ले नहीं है, बिल्कुल
अच्छा चल रहा है। जल्दी से बैक कवर लगा लेंगे, देन मैं आपको इसे चला कर दिखाता हूँ अच्छे से।